Distinguished ladies and gentlemen, I am indeed grateful to my old friend Sudhinder Kulkarni, old not in the sense of age, because he is 15 years younger than me. He has led a very purposeful life and he has worked hard and not like me who has lazed around, so he looks a little older than me. So he has given me this opportunity to speak to this august house in the presence of Gulzar Sahab. I mean, I feel like a dwarf in the presence of Gulzar Sahab. And on a subject which is close to my heart, and in a city which I still call my first home, which I left when I was 8, which was not a very long time ago, by the way. Whenever I think of the common bondage, I'm reminded of one particular incident. My mind goes back to somewhere 1969, when India and Pakistan were losing their supremacy in hockey. They were, the Europeans and the Australians were coming close. And at that time, it was decided that a match be played between an Asian 11 and a European 11, somewhere in Europe, perhaps Rome. And before that, the Asians team, which comprised almost entirely of Indians and Pakistanis, they had one reserve goalkeeper from Japan, who, poor chap, did not enter the field at all. So in order to sort of put up a better show against the Goras, as they were called, they decided to play 3 matches in India against what they called the second 11 of India, or the rest of Indian India, and 3 matches in Pakistan with against the second 11 of Pakistan. And in India, the captain was a Pakistani whose name I'm forgetting, but in Pakistan there was Ajit Pal Singh. So the match was played. After the match was over, I got the opportunity to speak to Ajit Pal Singh. मैंने कहा, सरदार जी, ये बताइए कि आपको पाकिस्तान के साथ खेलने में मज़ा आता है? कहने लगे, जी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो हमारी तरह क्लीन हॉकी खेलते हैं, ड्रिबलिंग करते हैं और धक्कम पेल नहीं करते हैं। गोरे तो हमें धक्का देते हैं, इतने चौड़े लंबे होते हैं, धक्का देते हैं। तो मैंने कहा, फिर ये बताइए कि आखिर ये क्या वजह है कि जब इंडियन और पाकिस्तानी खेलते हैं तो हॉकी उठा लेते हैं मारने को एक दूसरे को? कहने लगे, एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे, हमारी गालियां एक हैं, क्योंकि ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट गालियां मुंह से निकल जाती हैं। तो उसी मैच में किसी इंडियन प्लेयर ने हॉकी उठाई थी किसी पाकिस्तानी, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान 11 की। तो मैंने उससे कहा कि तुमने क्या कहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मेरे मुंह से तो सिर्फ उल्लू का पट्टा निकला था, तो ये तो कोई गाली ना हुई। सो यू सी, एट दैट कॉमन, एट दैट लेवल, बेसिक लेवल, आदमी या तो मोहब्बत में या नफरत में आके मुंह से गाली निकलती है, अपनी जुबान में गाली निकलती है। आप किसी को बास्टर्ड कह लें, वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर हिंदी या उर्दू या हिंदुस्तानी में उसी के अल्फा आप कहेंगे तो वो तो फिर आप पर दौड़ेगा, आप पर खफा हो जाएगा। हमारी और हमारे दोस्त सुधींदर साहब की, कुलकर्णी साहब की ये कोशिश है कि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी तो नाकामयाब रही, अब हम गुलजार साहब की लीडरशिप में ट्रैक 3 डिप्लोमेसी शुरू करते हैं, क्योंकि गुलजार साहब इस कदर पॉपुलर हैं,
इस कदर मकबूल हैं पाकिस्तान में कि कभी कभी मुझे जेलसी सी लग होती है, आज इसका एतराफ कर दूँ। बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और ये बचते हैं लोगों से, और जब हम इनके साथ होते हैं तो हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमारी तरफ देखे, लेकिन नहीं देखता, ख़ास तौर पे ख़वातीन। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की और लाइफस्टाइल की, तो लैंग्वेज जो होती है वो तो कल्चर का हिस्सा होता है ना। हमारे कल्चर एक ही किस्म का है। जब आपका टीवी सीरीज सास भी कभी बहू थी वहाँ चल दिखाई देने लगा, तो एक लड़की जिसकी शादी को 6 महीने हुए थे, उसने कहा अच्छा हिंदुस्तान में भी सास बहू पे जुल्म करती हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, कल्चर तो वही। आप कहते हैं कि आप रुख्सत करते वक्त कहते हैं सदा सुखी रहो, हमारे यहाँ कहते हैं सदा खुश रहो, और सदा सुहागन तो दोनों जगह कही जाती है, इस किस्म की बात। तो कल्चर इस कदर एक सा है, और ख़ास तौर पे नॉर्थ का पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही ज़्यादा है, और झगड़ा भी नॉर्थ के साथ ही रहता है। साउथ वाले शरीफ लोग हैं, वो झगड़ा नहीं करते। वो मैं मद्रास गया हूँ 3-4 दफ़ा, तो वहाँ मैंने देखा है कि वो वहाँ के लोग अच्छा समझ भी जल्दी जाते हैं। वो कहने लगे कि क्या मिस्टर नूरानी, व्हाई इज इट दैट पाकिस्तान हैज नॉट डन सो वेल इन आईटी एज वी हैव डन। सो आई सेड आई थिंक इफ आई वांट टू आस्क यू हाउ इज इट दैट नॉर्थ इंडिया हैजंट डन एज वेल एज साउथ इंडिया in IT. So kind of like, I don't know. So I said, I also don't know. So which is simple. You see, there are certain misunderstandings. For example, my very dear friend Anita Joshua, she read my piece on classical music. So she said, kya baat hai, why don't you say Hindustani classical music? Why are you prejudiced against it? So I said, well, you say it Hindustani classical music for the simple reason that you want to distinguish it from another very well developed system of music, which is Carnatic music. Fortunately or unfortunately, we have only one classical system, so we don't have to qualify that, and that goes also for Bangladesh. So this thing, and there are so many other things which need clarification. For instance, my friend Javed Akhtar, who occasionally likes to take a dig at Pakistan and when I'm not around. So he told a reporter from Pakistan, a callow upper reporter, who he said, aap dekhiye na, aapke yahan kitne Hindu the partition ke waqt aur ab kitne reh gaye. तो मैंने जब वो प्ले चल जब उसका वो प्रोग्राम चला टेलीविज़न पे, तो मैंने कहा बेवकूफ़, तुमको जावेद अख्तर से ये कहना चाहिए था कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 15-20% हिंदुओं की थी। तो जब वो हट गया तो हमारे पास तो 1.7 हिंदू रहे। फिर एक सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ तो इतने मुसलमान क्रिकेट प्लेयर्स हैं, आपके यहाँ सिर्फ दो ही हुए, दानिश कनेरिया और उससे पहले अनिल समथिंग, ये बुढ़ापे की पहली निशानी है कि नाम भूल जाता हूँ मैं। ये वक्त भी आएगा अगली दफ़ा कि मैं सुदींदर से पूछूंगा, सुदींदर बताओ मेरा नाम क्या है। तो खैर, तो बात यह है कि सिंधी जो हैं एज अ रूल क्रिकेट नहीं खेलते। पाक हिंदुस्तानी टीम में जो इतने सिंध के बहुत सारे लोग यहाँ आके बसे, तो रामचंद एक खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट खेली जो सिंधी थे, लेकिन वो वहाँ से खेलते हुए आए थे, और एक हिरवानी थे, बाकी
कोई सिंधी क्रिकेट नहीं खेलता। नौमल तो वो भी पार्टीशन से पहले थे ना, तो आप और मैं पैदा नहीं हुए थे शायद उस वक्त। तो बात यह है कि इस किस्म की हमें ये कहा जाता है कि वाई डू सो मैनी सिंगर्स कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड नॉट वेरी मैनी फिल्म सिंगर्स गो टू पाकिस्तान। उसकी सिंपल वजह यह है कि भाई पाकिस्तान की फिल्मी सनत का तो कबाड़ा कुछ उन्होंने किया कुछ आपने किया। आप चेन्नई एक्सप्रेस जब वहाँ रिकॉर्ड तोड़ेगी तो वो बेचारी एक लड़की जिसने एक बहुत ही साफ सुथरी रियलिस्टिक फिल्म बनाई जिसका नाम था जोश, वो तो मल्टीप्लेक्स में बहुत कम देखी गई, हमने भी प्रेस शो में देखा था। तो सवाल ये कि जिस तरीके से आप लोग एस्केपिस्ट काम कर पसंद करते हैं, वो इस तरीके से वो भी एस्केपिस्ट फिल्में पसंद करते हैं। तो अब आप देखिए, लेकिन उसके बावजूद एक वीडियो पे गुलजार साहब की अपनी फिल्में बहुत लोग देखते हैं। हमें शिकायत ये है कि हमारे टीवी प्लेज आप लोग नहीं दिखाते, हालांकि सच्ची बात यह है कि हमारे टेलीविज़न के जो ड्रामे हैं बड़े अच्छे ड्रामे हैं, साफ सुथरे ड्रामे। गुलजार साहब के एक दोस्त हैं अमजद इस्लाम अमजद, उन्होंने बनाए हसीना मोइन और इस किस्म के लोग। और अब नए जो लोग आने वाले हैं, एक साहब जिनका नाम आप सुनना पसंद नहीं करेंगे लेकिन उनके दामाद ने बहुत अच्छा एक प्ले एक लॉन्ग प्ले जो कि एक यूं कहना चाहिए कि एक आम डगर से हट के बनाए थी। और वो साहब जो है जिनका जिक्र इन्होंने किया था वो हैं परवेज़ मुशर्रफ, लेकिन वो भी आजकल मुश्किल में हैं। तो आप इसको देखिए कि लेकिन इसके बावजूद आपके कितने सिंगर्स हमारे यहाँ आ चुके हैं। जगजीत सिंह आए थे और उन्होंने एक दफ़ा पहले आए थे और एक दफ़ा अभी चंद साल पहले आए थे जब उन्होंने मेहदी हसन साहब के लिए फंड जमा करने के लिए किया। आपके यहाँ से फंड जमा करने में कितने लोग हमारे यहाँ आए? दिलीप कुमार आए थे, उन्होंने एक फातिमाइट ब्लड बैंक है उसके लिए चैरिटी डिनर में हिस्सा लिया। और एक बहुत ही काबिल तहसीन आदमी जिनका नाम सुनील दत्त है वो भी आए थे। और आपके सुनील गावस्कर, व्हाट अ फाइन पर्सन इज ही, सॉर्ट ऑफ व्हेन आई आस्क्ड हिम दैट इन द 1992 वर्ल्ड कप यू सीम टू बी क्लियर इन योर कमेंट्स, you seem to have had a very clear tilt in favor of Pakistan. So he said, well, I will support Pakistan all the time except when they play against India, which stands to reason, isn't it? So classical gaane walon mein Ajoy Chakravarti, usse pehle, aur Malvika Kanan, usse pehle aap dekhiye ki kitne log aaye, maslan Ustad Bismillah Khan, प्रोफेसर जोग और बेगम अख्तर सबसे, तो ये सब लोग आते रहे और ये गाते भी रहे और हमारा दिल खुश करते रहे। हमारे लोग भी आपके पास आए और आते रहेंगे और खुदा करे, क्योंकि मैं, मेरा ईमान है, मुझे यकीन है, सॉरी आई कीप ऑन शिफ्टिंग टू द लैंग्वेज विच इज़ अ कॉमन बॉन्डेज बिटवीन मी एंड गुलजार साहब। सो सो वॉट आई, हमारे और आपका के दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है म्यूज़िक का बॉन्ड। आज अगर लता जी की आवाज़ सुने, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, तो कौन सा पाकिस्तानी होगा जिसका दिल नहीं पिघलेगा? ये नूरजहां जब गाती ने गाई लाखों में एक नाम की एक फिल्म में, मन मंदिर के देवता, तो हमें भी बहुत भला लगा, आपको भी बहुत भला लगा। तो मौसीकी तो ऐसी है, क्रिकेट में, हॉकी में वी देर इज़ अ सेंस ऑफ राइवलरी, बट इन म्यूजिक देर इज़ नो राइवलरी। एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आवर फ्रेंड बॉबी सेठी हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस डायरेक्शन। एंड डे बिफोर यस्टरडे ही अशर्ड मी बिफोर ही
before he took me out for a wonderful meal, that there will be a bondage between Kala Sangam of India and Tehzeeb Foundation of Pakistan. Unhone abhi Indus Raag naam ka ek magnum opus hai, usme there are Indians like Vishwa Mohan Bhatt and so many other people from India who have played Jugalbandi with Pakistanis and who have sung with them. तो भाई ये वहाँ तो जुगलबंदी में नोकझोंक होती है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन हो जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान में नहीं आता कि ये हिंदुस्तानी है और ये पाकिस्तानी है, आपको तो मज़ा आता है, बहुत लुत्फ आता है. तो मेरा ये ख्याल है कि आई फील दैट म्यूज़िक एज अ फेमस फ्रेंच राइटर वंस सेड वर्लिन, music, music above all, the rest is literature. So you find this year at the Tehzeeb Foundation, we had about 6 or 7 Tehzeeb Foundation's annual music function. I think about 8 or 10 Indians were there, but there were some like Vishwa Mohan Bhatt, who were senior, and some others, and some very junior ones. And Bobby and Reva are doing a wonderful job in sort of bringing up newcomers. And I hope that when they come for the festival, we'll get to see some newcomers from India also. And maybe he'd like to tell us what he's doing, if you permit me. So. Our writers get published in India. My first book, Tales of Two Cities, as the lady making an announcement said, was published in India first. And because we have a large market here, just as our singers, they have a large market here. I asked a pop group, I said, why are you in India for so long? Why are you in, you go to Dubai, but very rarely in Pakistan. He said, well, because there's only 2 cities worth the salt in Pakistan, Karachi and Lahore. In India, there's so many cities. Then there's Dubai, there's Abu Dhabi, and there are lots of Indians and Pakistanis in America and Europe. So that is one reason why our singers enjoy your hospitality a lot. My sister-in-law, but more than that, my friend, Beena Sarkar, she has brought out one issue on Pakistani art, but I thought one is not enough. We have a phrase called Mukarrar Irshad in Urdu. Aap mushaire mein sunenge, that means once again. So we would hope that Beena would come out with another issue. And do you know, let me point out that initially there were Indian singers like Hemant Kumar, Mubarak Begum, Sandhya Mukherjee, Talat Mahmood, who had sung for Pakistani films also. Talat Saab made 2 visits to see his brother, and he was mobbed by music directors and everybody. That was when Talat hadn't lost his voice. The pun is not intended, by the way. So our book fairs have Indians coming there, setting up stalls. Ours, our publishers also set up stalls at the Delhi International Book Fair, though there are few. Your publishers, just as your publishers accept or willingly publish our books, our writers' books, the pirates of those of our 2 countries, they also patronize each other's publication. For instance, I was expecting Shobha Day today, but she had to
she was being called by a various organization because of the unfortunate multiple rape that took place today. So she is a favorite of the pirates, and so is Khushwant Singh. They love him, but they love Khushwant Singh. Oh, he doesn't even say, but he says, chalo is bahane meri kitabein to padh lete hain na log. So of the international book fairs that we've had for so long, we have had the first had a brilliant keynote lecture by Romila Thapar, and among the plays that have been staged there is we have here Sonia Khan and Firoz Khan's charming wife, Firoz Abbas Khan, not Firoz Khan the actor. So Firoz Abbas Khan's play, that was what's the name? Sorry, Salgira bhi, aur uske baad dusri hui thi na jisme Shaba Tumhari Amrita, wo bhi bahut acha raha. To is kisam ki cheeze hoti rehni chahiye, aur main to kehta hu ki yahan bahut sare log hain jo mujhse kam umr mein hain, ki mere jeete jee na sahi, aap logon ke jeete jee zaroor ho. ऐसी चीज़ें पाकिस्तान की में हिंदुस्तान की किताबें ख़ास तौर पे आईटी की बहुत पसंद की जाती है. उसकी वजह ये कि उनकी कीमतें कम होती है. द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन राइटर्स दे गिव द सोल राइट्स टू दे गिव द सोल राइट्स टू इंडियंस फॉर साउथ एशिया. सो इट्स चीपर फॉर अस टू गेट इट फ्रॉम इंडिया. इट वी सेव टाइम ऑल्सो. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है. लिटरेचर फेस्टिवल में जो हर साल होता है हमारे यहाँ, बहुत सारे हिंदुस्तानिया राइटर्स आते हैं, और गुलजार साहब भी पिछले दफ़ा आ रहे थे, लेकिन लाहौर वाले ने उनको रोक करके वागा का रास्ता दिखा दिया, और कराची के लोग महरूम रहे. आई वॉज सपोज टू conduct a conversation with Gulzar sahab in Karachi, but zahir e duniya mein sab kuch to nahi milta, to mujhe bhi ye mauka nahi mila. Aur Jaipur Literature Festival bahut maqboo is also a favorite of Pakistani writers, and Mrs. Amina Sayyid, who is an OBE, she is one of the five members of the jury, one of the five members of the jury at Jaipur Festival. So and I think now Lahore Literature Festival and Islamabad Literature Festival, both of which made their debut in this particular year, they also had Indians. I wasn't there, but so I didn't know, but there in Karachi we had a number of them, and I had the pleasure of conversing with two people, Shobha Day last year and this year Farrukh Dhondi, and it was a pleasure. Last week I attended before that I you see sometimes we have school children going from Pakistan to India, and Indian school children coming to Pakistan. But I'm not totally happy with it because of the simple fact that they were from elitist schools. It should be the middle class students or the lower middle class students or the poor class students who should go there, because in order to remove many misunderstandings, जब मैं यहाँ आ रहा था तो एवरीवन सेड कि भाई कहाँ जा रहे हो, दिल किल यू. अब तो मुझे कहले कि अभी तीन आदमियों को मारा उन्होंने कल. मैंने कहा कम मारा, आप तो रोजाना अपने 30 आदमियों को मारते हैं, तो उन्होंने अगर 3 मारा तो आपको फेवर किया है. तो इस किस्म की गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा है. और जब
ओम पुरी पाकिस्तान आए पहली दफ़ा, और मेरे ख्याल में उसके बाद शायद नहीं आए. सो ही वेंट अराउंड एंड ही सेड कि फिर मुझे मिले 5 दिन के बाद, कहने लगे आसिफ साहब आपने हमारे दुश्मन को कहाँ छुपा रखा है. मैंने कहा कौन? कहने लगे 5 दिन हो गए एक भी दुश्मन नहीं नज़र आया, तो वो कहाँ है दुश्मन, हमें नहीं मिलता. तो दुश्मनी आम आदमियों में नहीं है, दुश्मनी सियासतदानों में है. आई मीन एंड सम अदर पीपल, पीपल इन और विदाउट यूनिफॉर्म, आई वोंट से मोर. तो पिछले हफ्ते आप देखिए कि एक प्रोग्राम हुआ था, आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अटेंडिंग इट, वेयर यूनिवर्सिटी आर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम जामिया मिल्लिया एंड एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, दे had, they were both preparing artworks of common interest. और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो रेलवे स्टेशन का था. The ambience of railway station is just the same. The and most striking thing is the red clothed coolie here and there. अभी भी है यहाँ लाल कपड़ों में है. तो बिल्कुल ये सब चीज़ें होती रहीं और होती रहेंगी और होना भी चाहिए. और ये प्रोग्राम तहलका ने यहाँ वहाँ किया, यहाँ किया और वहाँ पर एक है इदारा T2F उसने किया. तो हमको उसके अलावा देन दे हैड अ प्रोग्राम ऑफ राइटिंग. सो दे हैव कम आउट विद अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज with from India and Pakistan written by students on the subject of friendship. And it's not propaganda, it is the undercurrent is friendship, so it's not propaganda. And sports encounters are not always very congenial. My son-in-law Talha in Michigan and his best friend Amrish from Bombay, they're best of friends, they've helped each other in all those times, but when India is playing Pakistan they don't watch the match together. Kyunki agar Shahid Afridi ne chhakka maar diya to Amrish saab khafa ho jate hain aur ye uchal jate hain. So that kind of rivalry is not there in music, shayari mein bhi nahi hai, lekin भड़काने वाले शायर भी हो सकते हैं, मौसीकी में तो बिल्कुल ही नहीं है. और बड़ी खुशी की बात है कि सरहद के दोनों तरफ आजकल सूफी म्यूज़िक जो है बहुत पॉपुलर होता जा रहा है. आपके यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं मैंने जो सुने, और हमारे यहाँ तो खासे मशहूर सिंगर्स हैं जैसे कि नुसरत फ़तेह अली साहब थे और भी दूसरे भी थे. तो मेरे ख़्याल में कि म्यूज़िक को हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए. बॉबी सेठ साहब ये कर रहे हैं. इन द केस ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक आई थिंक इन पॉपुलर म्यूज़िक आल्सो वी शुड डू द सेम. आई डेडिकेट दिस टॉक टू 2 people. No prizes for guessing. One is Mahatma Gandhi. I was a school student here and we used to call him Bapu. Hum Gandhi ji bhi nahi kehte the, Bapu hi kehte the. What a great person he was. Which is not to mean that there were other people who were not great. I have great respect for Jinnah Sahab also and Pandit ji, and of course the other person to whom I dedicate this talk is Faiz Ahmed Faiz. Even in the worst of times, when the relations were strained, Faiz Saab refused to issue a statement against India. He said,
जंग की बात कर रहे हैं आप, न हिंदुस्तान की जीत हुई है न पाकिस्तान की जीत हुई, जीत तो बर्बरियत की हुई है, बाबरिज्म की जीत हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।